पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बारे में कि कार्बन कैसे अपने आप को स्टेबल करता है, या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टू एटम्स टूगेदर। तो केमिकल बॉन्ड एक तरीके की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि दो एटम्स को साथ में पकड़ के रखता है, ठीक है। तो उसे ही हम बोलेंगे क्या? केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं आयनिक बॉन्ड्स और दूसरे होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें समझेंगे, आज हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। अब कोवेलेंट बॉन्ड को हम समझते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो ऐसे बॉन्ड होते हैं जो कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयर हो। इक्वल शेयर क्या होगा, अब कैसे होगा, अब हम वो देखते हैं। अभी हमने समझा जो कार्बन है वो तो ना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो उस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्या होगा यहाँ पे, इधर मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अगर कोई भी एलिमेंट है जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो मोस्टली क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेंगे, ठीक है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, यानी अपने आउटर मोस्ट शेल से इसे 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे या 2 को निकाल देंगे, 3 को निकाल देंगे, ठीक है। तो उसको लूज करना वो ज्यादा अच्छा समझते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट में उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर 5, 6 या 7 रहेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। ये मोस्टली अभी आपको 10th के बेसिस पे आपको यही ध्यान में रखना है कि जिन भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो लूज करना ज्यादा प्रेफर करेंगे, और जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो गेन करना चाहेंगे, ओके। अब क्या होता है, जो भी हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज गेन करके अपने आप को स्टेबल करते हैं, ठीक है। अगर आपको पता हो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं वो होती है नोबल गैसेस, ठीक है। ये नोबल गैसेस जो होती है इनका ऑक्टेट क्या रहता है, कंप्लीट रहता है इनका ऑक्टेट, ठीक है, इसलिए क्या होती है, स्टेबल होती है, ठीक है। जितनी भी नोबल गैसेस होते हैं सारी स्टेबल होती है। नोबल गैसेस कौन सी होती है हमारे पास, हीलियम, नियॉन, आर्गन। हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये हमारे पास 3 जो है नोबल गैसेस रहती है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें आपको और भी ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हीलियम, नियॉन और आर्गन, यानी जो भी एलिमेंट होंगे हमारे पास वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करना चाहेंगे ताकि वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से चीज क्लियर हो जाएगी। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। अगर हम बात करें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है। अब हाइड्रोजन के जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो है हमारी हीलियम, जिसका होता है कितना, एटॉमिक नंबर 2, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम ही आती है। तो हाइड्रोजन किसकी कॉन्फ़िगरेशन को, यानी किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करना चाहेगा, हीलियम की, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने ही मॉलिक्यूल के साथ, अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, यानी दूसरे हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने आप को स्टेबल करेगा, ठीक है। मान लो ये वाला हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और जो दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे, ये शेयरिंग करेंगे। ये इसके पास अपना एक पहले था, इसने इस वाले का शेयर कर लिया, और दूसरे वाले ने भी पहले वाले का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। अगर हम देखें ये वाला हाइड्रोजन के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस वाले के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि क्या है, इन्होंने हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लिया और अपने आप को स्टेबल कर लिया। तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ने दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके क्या बना लिया, H2 बना दिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो पहले हमारे पास 1 ही था, अब उसने क्या करा, H2 मॉलिक्यूल बना लिया। कैसे अपने आप को स्टेबल करा, इलेक्ट्रॉन का शेयर करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने आप को स्टेबल करा, ठीक है। अगर मुझे इनको रिप्रेजेंट करना हो बॉन्ड, तो मैं कैसे करूंगी, H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। जब एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो हम इसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, यानी एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है इन दोनों के बीच में, ओके।
अब हम एक डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल समझते हैं। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास है ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब 8 को हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, 2.6। यानी ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये हमारे पास एक ऑक्सीजन हो गया, ये हमारे पास दूसरा ऑक्सीजन हो गया, ठीक। अब इनके आउटर मोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, तो इनको ड्रॉ करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। और दूसरे में भी सेम यही होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इस वाले के लिए 6 ये रहा, इस वाले का 6 ये रहा। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसको 2 चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो ये किस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, ऐसे यूं इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। तो अगर हम इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास टोटल कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंप्लीट हो गया। और इस वाले ऑक्सीजन को भी देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 येलो ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गया। यानी 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने आप को क्या कर लिया, स्टेबल कर लिया, और क्या फॉर्म कर लिया, O2, ठीक है। और इनके बीच में बॉन्ड कैसा रहता है, हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इनको हम बोलेंगे क्या, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। मतलब 2 लाइन्स हैं हॉरिजॉन्टल है इसलिए डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। अब हम पढ़ेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने सिंगल बॉन्ड पढ़ा जो कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में था, फिर हमने पढ़ा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में जिसमें डबल बॉन्ड था प्रेजेंट। अब हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में। अब इसका अगर हम डायग्राम बनाए तो कैसे करेंगे, अब देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2.5। अब इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो एन दूसरे एन के साथ बनाएगा ऑब्वियसली। अब कैसे करेंगे, इसके 5 को हम 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। आई होप आपको डॉट्स दिख रही होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो हमने इसके इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब अपने आपको कैसे करेगा स्टेबल, ये वाला नाइट्रोजन इस वाले नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, और ये वाला भी इस वाले के 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है। काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये दोनों क्या हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं, और इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया, N2 मॉलिक्यूल बना दिया। और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड कैसे रहेंगे, 3 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यानी 3 हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। आई होप आपको ये कोवेलेंट बॉन्ड वाला जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और एक वैलेंसी वाला, ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैलेंसी वाला तो कुछ ज्यादा ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार पूछा जाता है। तो हमने क्या देखा कि जो हाइड्रोजन था उसने सिंगल बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाए, और नाइट्रोजन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाए, ठीक है। तो अभी आपको ये 3 बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और वो आपने देख लिया कि इनके बीच में कैसा रहेगा, और ये अपने आपको कैसे अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बेसिकली अपने आपको स्टेबल करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर पाएंगे, गेन लूज नहीं कर पाएंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, ठीक है। शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर करके अपने आपको स्टेबल करेंगे और दूसरे को भी स्टेबल करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज के टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी, और हमने अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।